गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। और बच्चों ने आना है या करें हम स्टार्ट? देख लो एक बार, चेक कर लो पार्टिसिपेंट्स। अगर किसी का कोई फ्रेंड रह गया है तो उसे बता दो कि मैम करने लगे हैं स्टार्ट, ज्वाइन कर ले अभी। Screen is visible. Yes or no? Yes. Okay. Yes. कल हम कर रहे थे differences XML और HTML के बीच में, वो हमने कर लिए थे। अब हमारा next part आता है XML के क्या क्या benefits हैं या XML के क्या क्या advantages हैं, ठीक है जी। So first and foremost एडवांटेज इसकी क्या है कि ये हमारे डेटा एक्सचेंज को सिंपलीफाई करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हो सकता है किसी केस में हमारे पास एक डेटाबेस है जो टेबुलर फॉर्म में डेटा रख रहा है और दूसरा डेटाबेस है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में नहीं रख रहा डेटा, टेक्स्ट की फॉर्म में रख रहा है। तो उस केस में अगर आपने एक टाइप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको कोई ना कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए होगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि इंग्लिश में या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में बात करनी है आपको बट आती नहीं है तो आप ट्रांसलेटर यूज करोगे, आप ही ने बोला था। तो वो जो ट्रांसलेटर का काम है वो एक्सएमएल करता है, ये भी आपको बताया था। तो वो जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वो सारी एक्सप्लेनेशन इसी बेनिफिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई डेटा एक्सचेंज, डेटा को एक्सचेंज करना हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हो सकती हैं या डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटाबेसिस हो सकते हैं, उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का एक मीन्स प्रोवाइड कर दिया है हमारे XML। देन नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करना, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो कि अपने आप को एक्सप्लेन करे। तो उस काम के लिए क्या करते हैं हम, डेटा अबाउट डेटा बोलते हैं उस काम को, एंड डेट डिफाइंस मेटा डेटा। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि XML में मेटा डेटा होता है, ये मेटा डेटा के फॉर्म में सारा डेटा सेव करता है। तो डेट फीचर डिस्क्राइब्स द सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ XML। ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है क्यों? क्योंकि आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो क्या क्या चल रहा है हमारे कोड में या डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इजिली आप देख के बता सकते हो कि ये इसके अंदर आई, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। देन यू कैन मेक योर ओन टैग्स, ये भी इसका एक एडवांटेज था, आपको टैग्स याद नहीं करने पड़ते, कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है, नो प्री डिफाइंड टैग्स आर देयर, ठीक है। इसमें सारे यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टैग दैट इज XML डिक्लेरेशन, तो वो तो इतना बंदा कोई भी याद कर ही लेता है। देन नेक्स्ट इज XML मेक्स डेटा मोर अवेलेबल। अब मोर अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि बेसिकली इन्होंने यही इसका रीजन है कि XML है क्या, इंडिपेंडेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन तीनों तरफ से, मतलब किसी भी हार्डवेयर पे बेस्ड नहीं है।
कि ये जी इसी हार्डवेयर पे चलेगी, किसी और हार्डवेयर पे चलेगी नहीं, या इसी सॉफ्टवेयर के लिए बनी है, किसी और सॉफ्टवेयर के लिए नहीं चलेगी, या सिर्फ एक ही टाइप की एप्लीकेशन के लिए बनी हो, ऐसा नहीं होता। एक्सएमएल एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, किसी भी डेटा को सेव करने का, यूज करने का, या फिर उसे एक्सचेंज करने का। तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। देन एक्सएमएल कैन मेक योर डेटा मोर अवेलेबल एंड यूजफुल, इसी रीजन की वजह से ये कर सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशन कैन एक्सेस योर डेटा इन एचटीएमएल पेजेस में भी आप एक्सएमएल का डेटा लेके आ सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज आप लोगों ने खुद एक्सएमएल का एक डॉक्यूमेंट बनाया था और उसे बाद में आपने कन्वर्ट टू एचटीएमएल करके देखा था, वो अपने आप उसे कन्वर्ट कर रहा था एचटीएमएल लैंग्वेज में, उसके टेबल की फॉर्म में आउटपुट भी आई थी। देन जब आप उसका कोड देखते हो, शो कोड करते थे, तो वहां पे वो कोड भी साथ में दिखा रहा था कि ये ऐसा ऐसा कोड बना है जी इसका, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि टेबल क्या है, टी हेड क्या है, जिसे हेड बोल रहे थे हम बच्चे, ठीक है। देन टी बॉडी, वो सारे जो टैग्स वाला काम था वो एचटीएमएल पेजेस में से अपने आप कन्वर्ट किया, आप लोगों ने नहीं किया था। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज एक्सएमएल प्रोवाइड्स ए मीन टू पैकेज ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब चाहे इंफॉर्मेशन आपकी बाइनरी फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ऑडियो वीडियो किसी भी टाइप का डाटा हो, आप उसे इजीली पैकेज की फॉर्म में बना के ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर देता है। ये हैं कुछ बेसिक बेनिफिट्स एडवांटेजेस एक्सएमएल के। इसके अलावा आप जो भी चाहो, लाइक ये सारे भी एडवांटेजेस में ही आते हैं कि ये फोकस कर रहा है डाटा पे, या स्टोर करने के लिए यूज होता है, कि ये सेंसिटिव है, ये कंप्यूटर्स के लिए बनी है, डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन, ये सारे भी इसके एडवांटेजेस ही हैं। बट ये मेन एडवांटेजेस कम से कम जरूर लिखे होने चाहिए आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, एंड मिनिमम आपके पास 5 to 6 एडवांटेजेस आपको याद रहने चाहिए। तो अगर तो ये पांचों याद हो रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रहे, एक आधा भूल रहा है, तो कम से कम ऐसा ना हो कि अगर पेपर में 5 लिखने को बोला और आपको आते ही 5 हो, कई बार लिखने के टाइम पे आप भूल जाते हो, तो जब भी 5 लिखने को बोला हो कम से कम आपको 6 से 7 आते होने चाहिए ताकि आप प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन कर सको। तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन की लेंथ रेडी रखना। आपकी बुक में ये एडवांटेजेस नहीं गिवन, बट लास्ट ईयर में पूछे गए थे बच्चों से कि एक्सएमएल के एडवांटेजेस क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज आई विल गो कंटिन्यू। नो ओके, नेक्स्ट इज एक्सएमएल के कुछ रूल्स की डिस्क्रिप्शन। अब हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कि एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम पे कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्या क्या रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे? मैम, श्योर, गो अहेड। पहला रूल तो वो था हमारा कि जो ऊपर एनकोडिंग लिखनी है उसके बाद डेक्लरेशन ऑफ एक्सएमएल कहते हैं इसको। हाँ हाँ फिर मैम ये था कि एक रूट टैग होना चाहिए और सिर्फ एक ही रूट टैग हो सकता है, यस। और और मैम ये था कि जो एट्रीब्यूट्स है एम्प्टी टैग के अंदर ही लिख सकते हैं और एम्प्टी टैग को अंदर से ही क्लोज करना होता है। वेट, थोड़ा सा मॉडिफाई। एम्प्टी टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखना कंपलसरी है, बट एट्रीब्यूट्स आप नॉर्मल टैग में भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एट्रीब्यूट हर किसी में लिख सकते हो, बट एम्प्टी में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल कंटिन्यू। मैम हर एक ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग यस, जो एम्प्टी टैग होता है उसको छोड़ के। मैम ठीक है जी, परफेक्ट। और कोई? नहीं आ रहा बस। ओके, एनीवन और एल्स? जो हाँ जो सेकंड जो मैम सेकंड के बाद जितने भी हमारे टैग्स अगर हम करेंगे वो मैम मतलब फर्स्ट के अंदर ही बंद होंगे, मतलब यस, बाकी सारे तो टैग्स रूट टैग के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। और ठीक है जी, चलो इतने याद है, वेरी गुड। एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएंगे, प्लस जो न्यू रूल्स हैं वो भी साथ में अब ऐड कर लो, ठीक है। तो रूल्स के साथ साथ मैंने कुछ इनवैलिड एग्जांपल सिंटेक्स लिखे हैं ताकि आपको पता हो कि इनवैलिड है ऐसा लिखना, तो वैलिड क्या होगा वो मैं साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है जी। सो फर्स्ट रूल इज कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हो उसमें कोई ना कोई क्लोजिंग टैग हर किसी टैग के लिए होना चाहिए एक्सेप्ट एम्प्टी टैग, ठीक है जी।
तो अगर कोई भी टैग ओपन होगा तो उसे क्लोज करना है, ओपन छोड़ दोगे तो वो मतलब कुछ भी अगर एंड नहीं कर रहे ना ही से एम्प्टी डिक्लेयर कर रहे हो तो वो एरर देगा। और आपको याद होगा कि एक्सएमएल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सएमएल एरर डिटेक्ट करती है और ये एरर टॉलरेट नहीं करती। जब तक आप एरर रिमूव नहीं करोगे वो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगी, मतलब वो आपका डाटा सेव नहीं करेगी। ठीक है जी, तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, मैंने मार्कअप टैग को ओपन किया है पर क्लोज कहीं नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर डाटा भी डाल दिया बट क्लोज नहीं किया, ये फिर से ओपनिंग ही है, ये क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग अगर करनी होती है तो मुझे यहाँ पे ऐसे ये सिंबल लगाना पड़ना था। अगर आप ये सिंबल नहीं लगा रहे इट मीन्स इट्स नॉट ए क्लोजिंग टैग, तो वो एक एरर देता है दैट दिस टैग डजंट कंटेन्स एनी क्लोजिंग टैग सो एक्सएमएल कैन नॉट पास योर डाटा। तो ऐसा कुछ एरर आता है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको उसका क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, देन सेकंड रूल है हमारा, एक्सएमएल जो है केस सेंसिटिव है, तो अगर आपने टैग का नाम एम कैपिटल से लिखा है और बंद आप स्मॉल से कर रहे हो, बंद तो किया है, आप तो बोलोगे कि मैंने तो बंद कर दिया पर आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कैपिटल था यहाँ पे स्मॉल था, तो अगेन इट विल क्रिएट एरर। क्यों? क्योंकि इसे ऐसा लगेगा कि इसका कोई क्लोजिंग है नहीं, इसका कोई क्लोजिंग है नहीं और इसका कोई स्टार्टिंग है नहीं। ठीक है, तो जिसकी क्लोजिंग नहीं है वो भी प्रॉब्लम, जिसकी स्टार्टिंग नहीं है बट एंडिंग कर दी वो भी प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो ये इनवैलिड है। अगर आपको इसे बंद करना होगा तो आपको या तो एम कैपिटल करके इसे इसकी जगह पे एम कैपिटल करना पड़ेगा या फिर इसकी जगह पे भी एम स्मॉल कर दो। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के नेम्स केस सेंसिटिव हैं और उनको सेम रखना पड़ेगा, एक भी लेटर कैपिटल है तो दूसरी जगह पे भी कैपिटल ही रखना पड़ेगा आपको, बंद छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम इज द केस विद दिस, शर्ट एंड शर्ट दोनों अलग अलग हैं, ये बंद नहीं हो सकते। एंड ये दोनों कैसे डिफरेंट है, जैसे ये दोनों टैग दिखने में डिफरेंट है वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, HTML के टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते, तो अगर HTML का अगर ये कोड होता उसमें आप अगर HTML की क्लोज लाइक दिस, अगर आप HTML के कोड में इस तरह ओपन कर रहे हो HTML को बट क्लोजिंग के टाइम में आप इसे ऐसे बंद कर रहे हो तो ये एरर नहीं देगा, ये वर्क करेगा नॉर्मल, बट XML के केस में ये नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस भी है आपके इन दोनों के बीच में, XML और HTML के केस में। देन नेक्स्ट इज ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव प्रॉपर नेस्टिंग, ये आप लोगों को याद है, आप बताना भूल गए ये वाला। ठीक है, बट स्टिल आप हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टैग्स हमारे ओपन ऐसे हो रहे हैं 1 2 3 ओपन हो रहे हैं तो क्लोजिंग कैसे होगी, पहले 3 बंद होगा फिर 2 बंद होगा फिर 1 बंद होगा। ठीक है जी, तो वो प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए इसकी। ओके, टैग्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में बंद होंगे इन विच दे आर ओपन। ठीक है जी, एनवेलप्स के फॉर्म में, जैसे कोई पॉलिथिन के अंदर पॉलिथिन डाला हो तो पहले अंदर वाला पॉलिथिन बंद करते हो फिर बाहर वाला करते हो, ऐसा नहीं होता कि पहले आप बाहर वाला बंद कर दो फिर बोलो मैंने अंदर वाला पॉलिथिन बंद करना। ठीक है, तो वो आप कर भी नहीं सकते। सेम इज द केस विद दिस, तो इस केस में मैंने इनवैलिड लिखा है। क्यों? ऑक्सीजन ओपन किया, नाइट्रोजन ओपन किया बट पहले मैंने ऑक्सीजन बंद कर दिया, तो पहले ऑक्सीजन बंद करने का मतलब है ये लिफाफा मैंने बंद कर दिया, अब ये खुला हुआ है नाइट्रोजन अंदर वाला। ठीक है, तो उसे बंद नहीं किया तो वो सारा खराब करेगा ना हमारे काम को, चीज को, तो दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड। अगर इसे वैलिड बनाना है तो नाइट्रोजन को ऊपर जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को नीचे आना पड़ेगा, देन इट विल बी फाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विथ क्लास एक्सएमएल। ओके, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई रूट एलिमेंट, सिंगल रूट एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल रूट एलिमेंट्स हो। ठीक है, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा, एग्जैक्ट 1 रूट एलिमेंट होगा।
देन प्रॉपर जिसके जो भी अदर एलिमेंट्स होंगे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के वो सारे नेस्टेड होने चाहिए रूट एलिमेंट के अंदर. देन एक बार अगर रूट एलिमेंट डिफाइन हो गया तो आप उसके अंदर जितने मर्जी चाइल्ड एलिमेंट्स या उसकी ब्रांचेस बना सकते हो विदाउट एनी टेंशन, बट उनकी नेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर. अगेन रूट एलिमेंट इम्पोर्टेंट है हमारे एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट के लिए. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द अदर एलिमेंट्स, क्योंकि इसने सारे बाकी सामान को पैक करके रखा है. इट्स जस्ट लाइक आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुक्स भी हाथ में पकड़ लो, आप पेन्स भी हाथ में पकड़ लो, अपना टिफिन भी हाथ में पकड़ लो, अपना बोतल भी हाथ में पकड़ लो, जो भी सामान है सारा हाथ में पकड़ के लाओ, रेदर देन कि आप बैग लेके आओ. ठीक है, तो बैग नहीं लेके आ रहे तो इसका मतलब इतना सामान इतना खिलारा आप हाथ में पकड़ के आ सकते हो या नहीं. अगर आ सकते हो तो इसका मतलब ये बुक हो सकता है कि आप एग्जामिनल में बिना रूट के चल सकते हो. ठीक है, एक्सेप्ट द केस जो बच्चे सिर्फ एक कॉपी एक पेन लेके आते हैं कॉलेज में, उनके लिए नहीं है ये. ठीक है जी. देन कम्स एक इनवैलिड सेंटेक्स. मैंने यहाँ पे एक फादर नाम का ओपन किया. अच्छा, ये बेसिकली है क्या, ये प्रॉपर पूरा का पूरा कोड एक ही एग्जामल डॉक्यूमेंट का है. ठीक है, तो मैंने किया क्या, ये रूट एलिमेंट बनाया फादर, इसके अंदर सन आया, फिर डॉटर आई, डॉटर को क्लोज किया, सन को क्लोज किया, फादर को क्लोज किया. ठीक है, उसके बाद मदर आई, अगेन मदर रूट बन गया. क्यों? क्योंकि फादर को मैंने क्लोज कर दिया. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ तक मेरा एग्जामल डॉक्यूमेंट खत्म होना चाहिए, बट मैंने तो एक ही फाइल में दोनों लाइंस, दोनों ही टाइप के जो लाइंस लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है. ठीक है, तो उस केस में ये मदर के अंदर नेस्टिंग प्रॉपर है. ठीक है, तो अगर कोई चाहे तो ये बोल सकता है कि इनकी नेस्टिंग तो प्रॉपर है, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए. तो उस केस में आपके पास ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास कोई भी रूट एलिमेंट नहीं है. तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप एक फैमिली नाम का एक रूट एलिमेंट ऐड करके उसे एंड में क्लोज करके इसे आप वैलिड एग्जामिनल डॉक्यूमेंट बना सकते हो इस तरह से. क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे मैंने अब एक रूट एलिमेंट बना दिया. अगर ये नहीं लगाती फैमिली तो इस केस में दो रूट एलिमेंट्स बन रहे थे, एक फादर और एक मदर, बट ऐसा नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है. तो फैमिली एक रूट एलिमेंट बन गया इसके आसपास. ठीक है, देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड. तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, कईयों का एरर भी आया था उस दिन जब एग्जामिनर का डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो उन्होंने वर्जन की वैल्यू को 1.0 जो थी वैल्यू उसको अपने कोट्स में नहीं लगाया था, तो वो एरर दिखा रहा था. ठीक है, तो वो जो एरर था वो इसी चीज को डिफाइन करता है कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज को कोट्स में लिखना जरूरी है. ठीक है जी, चाहे आप सिंगल कोट रखो चाहे डबल कोट रखो, बट होना चाहिए. जनरली डबल कोट्स यूज करते हैं लोग, सिंगल कोट्स कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है ना डबल कोट्स में लिखने की, दैट्स व्हाई. तो अब इस केस में भी, अच्छा इस केस में जो आपने बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप एम्प्टी एलिमेंट्स में लगा सकते हो, इसके अलावा आप नॉर्मल टैग्स में भी एट्रीब्यूट लिख सकते हो, तो वो इसकी एग्जाम्पल बन गई है. देन कम्स कि यहाँ पे एरर क्या आएगा कि ये एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं मिली उसे, वो ये बोलेगा, बट आपने बोलना है कि मैंने तो वैल्यू दी थी. तो उस केस में आप ये चेक कर लेना कि आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोट्स में डाला है या नहीं. चाहे ऐसा लिख दो सिंगल कोट्स, चाहे आप डबल कोट्स लगा दो, दैट्स योर चॉइस, बट एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोट्स में लिखना कंपल्सरी है. तो एट्रीब्यूट में क्या क्या पार्ट्स होंगे, एट्रीब्यूट का नेम होगा, इक्वल टू सिंबल होगा, एंड देन आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, और जो वैल्यू होगी वो डबल कोट्स में आएगी. देन कम्स एट्रीब्यूट में ओनली अपियर वंस इन द सेम स्टार्टिंग टैग. मतलब एक बार एक एट्रीब्यूट को एक ही वैल्यू दे सकते हो आप. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक बार साइज की वैल्यू लार्ज दे दी उसी टैग में, और उसी टैग में मैंने आगे जाके कहीं पे बीच में कुछ और भी एट्रीब्यूट होंगे, और आगे जाके मैंने उसी एट्रीब्यूट को अगेन कोई और वैल्यू दे दी, तो ये एरर स्टेटमेंट बन जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी आती है, उसे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लार्ज में यूज करूँ या स्मॉल यूज करूँ. ठीक है, तो एक ही बार आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दे सकते हो. अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देते हो तो वहां पे एम्बिग्यूटी आती है. एम्बिग्यूटी का मतलब है उसे डुप्लीकेसी मिल रही है या कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट कोई मिल रही है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन सी वैल्यू यूज करूं.
ये थे हमारे सारे रूल्स जो XML के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज करने हैं। इन रूल्स में से किसी भी रूल में किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, एक बार चेक कर लो। फर्स्ट रूल था ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव ए क्लोजिंग टैग। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट हमारा XML टैग्स में केस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सारे केस सेंसिटिव टैग्स हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके देन ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव प्रॉपर नेस्टिंग, नेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बंद होंगे टैग्स हमारे। ठीक है जी। देन XML डॉक्यूमेंट में सिंगल रूट एलिमेंट होना चाहिए। ये क्लियर है? यस मैम। ओके देन XML में जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी वैल्यू को कोट्स में लिखना है, चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट हो। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके देन लास्ट इज एट्रीब्यूट्स को आप एक ही बार वैल्यू दे सकते हो एक टैग के अंदर। मल्टीपल टैग्स में उसकी वैल्यू आ सकती है बट एक टैग के अंदर उसकी वैल्यू एक ही बार आएगी। क्लियर मैम? फोर्थ पॉइंट दिखा दो एक बार। फोर्थ वाला। ओके ओके विद एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है जी। हम लोगों ने एक XML का डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, इसके बीच में जो भी आना है वो सारा लिख सकते हो। देन मैंने बताया जी मैंने एक टैग बनाना है फादर नेम का, उसके अंदर मैंने एक सन नाम का टैग बनाया। देन सन को कोई ना कोई वैल्यू दी कुछ भी एबीसी। देन मैंने सन को कर दिया जी क्लोज। ऐसी होगी नेस्टिंग प्रॉपर? यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैंने जी फादर को भी बंद कर दिया। यहां तक तो हमारा जो चल रहा था अच्छा। इस जितना मैंने कोड लिखा इसमें कोई एरर है ये बताओ? इतने कोड में कोई एरर है मेरे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या एरर है? आप मैम हमने स्टार्टिंग कैपिटल थी और क्लोजिंग मैम। यस स्मॉल। तो केस सेंसिटिविटी का एरर था। ठीक है जी, यहां तक कोई और कोड में कोई एरर नहीं। बट मैंने अगर यहाँ पे एक ओ टैग बना दिया, उसके अंदर भी कुछ लिख दिया, ठीक है, देन कोई वैल्यू दे दी उसे, देन अगेन नेस्टिंग प्रॉपर करके बंद कर दिया। बट अगर देखा जाए नॉर्मल टैग्स के फॉर्म में तो किया तो ठीक है, मैंने और कोई रूल वायलेट नहीं किया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रूट एलिमेंट कौन सा है तो आप क्या आंसर दोगे? कौन सा रूट एलिमेंट है जी मेरा? मैम रूट एलिमेंट तो बुलाया नहीं आपने। यस मैम है ही नहीं। तो रूट एलिमेंट नहीं है, वही तो इस चीज को बता रहे हैं कि एक XML डॉक्यूमेंट में एक ही रूट एलिमेंट हो सकता है। अगर कोई पर्सन नॉर्मल हो वो बोलेगा जी फादर ही रूट एलिमेंट है और इधर मदर रूट एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर भी हमारे टैग्स हैं तो ये रूट हो गए। बट एक्चुअल में रूट एलिमेंट क्या कहता है कि मैं जितने भी टैग्स होंगे XML की डिक्लेरेशन के बाद उन सभी टैग्स को एक नेस्टिंग की फॉर्म में अपने अंदर संभाल के रखूंगा, एक पैकेज की फॉर्म में संभाल के रखूंगा। तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एक रूट एलिमेंट बनाना पड़ेगा और उस रूट एलिमेंट को इन सभी टैग्स के खत्म होने के बाद एंड में बंद करना पड़ेगा, देन इट विल बी ए वैलिड सिंटैक्स फॉर XML। अगर मैं ये फैमिली वाला टैग नहीं लगाती तो ये जो बीच वाले टैग्स थे इन सभी का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो वो इस रूल को वायलेट कर रहा था जो रूल बताता है कि XML में सिंगल रूट एलिमेंट होना कंपल्सरी है। ठीक है जी, अब क्लियर है? किसका डाउट था? यस मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट है किसी भी रूल में? मैम लास्ट वाला समझा दो एक बार। लास्ट वाला। ओके ओके सेम एग्जाम्पल XML ऊपर लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैं सिर्फ टैग की बात अच्छा चलो लिख ही देती हूँ। ठीक है जी, XML की डेक्लेरेशन लिखी हुई है, बीच में जो भी वर्जन वगैरह आना वो लिखा हुआ है। तो आगे हमने मैं क्या किया जी, मैंने
ओके पुराने वाली एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना था, ये सन की वैल्यू नहीं दी, मैंने इसका नेम देना है, तो मैंने नेम लिख दिया, नेम इज इक्वल टू राम। कोई एरर आएगा यहां तक? कोड सही है या एरर आएगा? डबल कोड्स नहीं डाले मैडम आपने। अगर मैं सिंगल डाल दूं तो चलेगा? स्टार्टिंग में नहीं डाला अभी। ठीक है, राम के। ठीक है, अब ठीक है? यस यस मैडम। ओके, अब मैं एक और एट्रीब्यूट बना रही हूँ, ठीक है जी। देन थर्ड एट्रीब्यूट बनाया उसका, लेट्स इमेजिन 5। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट कुछ भी बना लो, कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि एक लाइन में खत्म नहीं हो रहे। तो मुझे भूल गया कि मैंने नेम एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू डाली थी कि नहीं डाली थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, फिर से नेम एट्रीब्यूट में कोई ना कोई वैल्यू डाल के शाम लिख दिया। तो इस केस में अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ जी इसके नेम एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है, आप कौन सी वैल्यू फाइनल करोगे? बताओ। अब मैं पूछूं कि सन का नेम क्या है, क्या नाम बताओगे आप? एनी रिस्पॉन्सेस? सन का नेम राम। राम है, फिर शाम भी तो लिखी हुई है उसकी वैल्यू, शाम नहीं होगा, ओवरराइट नहीं करेगा वो उसे। मैं वो पहली वाली वैल्यू नहीं उठाएगा जो पहले लिखी वाली। इसी को तो बोलते हैं एम्बिग्यूटी, हमें लगता है वो पहली उठाएगा, कई बार कंपाइलर को भी लगता है कि पहली वाली वैल्यू उठा ले, कई वाली कंपाइलर कहता है कि नहीं पहले वाली को ओवरराइट कर दिया सेकंड वाली ने। अब मैं सेकंड वाली लूं या पहले वाली लूं, कौन से वाली लूं? क्योंकि आपको याद होगा जब हम सी में भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, पहले ए की वैल्यू अगर 1 दे दें, उसके बाद अगर ए को 2 वैल्यू दे दें तो वो 2 वाली वैल्यू को यूज करता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो। ऐसे करते हो? यस मैम। तो फिर इस केस में भी सेम प्रॉब्लम आएगी ना, दैट्स व्हाई वो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम देता है। अगर मैं ऐसे ही एक ही टैग के अंदर डिफरेंट सेम एट्रीब्यूट को डिफरेंट वैल्यूज दे दूं, ठीक है। यही यहाँ पे बोला था कि एक बार कि किसी भी एट्रीब्यूट को आप एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, बार बार वैल्यू नहीं दे सकते उसको। सिंगल एट्रीब्यूट में होगा कि एट्रीब्यूट और नेम वैल्यू का पेयर होगा और इसमें कंफ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज दोगे उसे एक ही चीज को तो वो एम्बिग्यूटी देगा, जब मल्टीपल कंफ्लिक्टिंग वैल्यू पेयर मिलेंगे उसे, मतलब मल्टीपल उसे वो मिल रहे हैं ऐसे वाले पेयर्स, नेम एंड पेयर देन नेम वैल्यू, ये वाला, ये जो पेयर मिल रहे हैं जब उसे मल्टीपल मिलेंगे एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू का पेयर मल्टीपल टाइम मिलेगा तो वो एम्बिग्यूटी नाम की एक प्रॉब्लम को अराइज करेगा, जिससे उसे कंफर्म नहीं होगा कि मैं कौन से वाली वैल्यू फाइनलाइज करूं, ठीक है जी। अब क्लियर है थोड़ा सा? यस मैम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, एट्रीब्यूट की जब भी वैल्यू देनी है तो एट्रीब्यूट की वैल्यू हम ऐसे रहते हैं, पहले एट्रीब्यूट का कोई नेम होता है, ठीक है जी, उसके बाद उसको कोई ना कोई यहाँ पे हम कोट्स में, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, उसमें कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, ऐसे ही एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं टैग के अंदर। तो अगर मुझे एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू, ऐसे वाले मल्टीपल पेयर्स मिलेंगे एक ही टैग के अंदर, तो वो एम्बिग्यूटी अराइज करेगा। एम्बिग्यूटी मतलब डुप्लीकेसी, या फिर उसे बोल सकते हो कंफ्यूजन, उस चीज को अराइज करेगा। आप चाहो तो सेम एट्रीब्यूट डिफरेंट टैग्स में यूज कर सकते हो, बट आप सेम एट्रीब्यूट एक ही टैग के अंदर मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। अगर आपको दो बार नेम की वैल्यू देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक सन नाम का एक टैग बनाना पड़ेगा, देन आप उसको वहां पे अलग टैग बनाओगे, देन यहाँ पे आप अगर राम लिख दिया था ऊपर तो यहाँ पे आप शाम की वैल्यू दे दो,
अगर उसे ठीक करना हो उस ऊपर वाली प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे शाम की वैल्यू दे दो और ये वाला पार्ट रिमूव कर दो, तो फिर ये चीज ठीक हो सकती है। आप और इजी अगर इसकी एग्जांपल चाहो तो ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहली बार इसका सन का जेंडर मेल लिख दिया, उसके बाद मैंने सन का जेंडर फीमेल लिख दिया, तो फाइनलाइज कौन सा जेंडर हुआ, मेल या फीमेल, उसे पता नहीं चलेगा एक ही टैग के अंदर अगर लिखा तो। एक ही टैग के नेम है बट टैग दो हैं अलग अलग, तो आप वैल्यूज डिफरेंट दे सकते हो ऊपर नीचे, बट टैग के ये वाले जो एंगुलर ब्रैकेट हैं इनके बीच में एक ही टैग को डिफरेंट वैल्यूज नहीं दे सकते एट्रीब्यूट को, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे लूप्स नहीं यूज कर सकते ना, दैट्स व्हाई। ये लूप नहीं है, ये एक नॉर्मल वैल्यू स्टैटिक यूज कर रहा है। एट्रीब्यूट का मतलब है मैंने स्टैटिक वैल्यू दी, डायनामिक वैल्यू नहीं दी, तो स्टैटिक वैल्यू को एक ही बार आप दे सकते हो, बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके यस मैम, यस मैम। अभी भी डाउट है तो बता दो, मैं परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। हो गया हूँ गाइडन। ओके, और कोई डाउट किसी को किसी भी रूल में? ओके ओके, रूट एलिमेंट क्या होता है ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ देते हैं कई बार, लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो और आपको तीन चीजें एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं ना कई बार, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, देन उसके बीच में लिखा होगा रूट एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, तो उस केस में आप क्या क्या लिख सकते हो उसके बारे में, तो वो यहाँ पे हम समझने लगे। अब सबसे पहले अगर रूट एलिमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या क्या बता सकते हो, इसकी क्या क्या खासियत है? ठीक है, ऑल XML डॉक्यूमेंट्स फॉर्म ए ट्री टाइप स्ट्रक्चर, ये बात हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो गई थी फर्स्ट डे ही जब हमने प्रैक्टिकल किया था, तो ट्री टाइप फॉर्म में उसने डाटा आपको शो किया था, तो हर टाइप का XML डॉक्यूमेंट ट्री टाइप स्ट्रक्चर में डाटा सेव करेगा। ठीक है जी, उसके बाद इट मस्ट कंटेन ए रूट ऑफ ट्री, इसमें रूट होना चाहिए जिसे आप रूट एलिमेंट बोलते हो। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए, यहाँ तक किसी को रूट एलिमेंट होना कंपल्सरी है हर XML डॉक्यूमेंट में, ये ठीक है? यस मैम। ओके, देन दिस एलिमेंट इज पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, ये भी बात ठीक है, ये पेरेंट है सभी का? यस मैम। ओके, द एलिमेंट्स इन इन एन XML डॉक्यूमेंट फॉर्म ए डॉक्यूमेंट ट्री बनाते हैं। अब जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है ना उसे आप बोलते हो डॉक्यूमेंट ट्री। ठीक है जी, अब उसे डॉक्यूमेंट ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ट्री होता है वैसे तो उसमें तो हम ब्रांचेस में फॉर्म से ब्रांचेस की फॉर्म में डाटा सेव करते हैं, ब्रांचेस में लीव्स होते हैं वहां पे डाटा सेव करते हैं, बट XML के केस में हम डॉक्यूमेंट ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास डाटा आए जो वो आए टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में जिसमें ऐसे लाइंस वाला डाटा हो, ठीक है, टेबलो फॉर्म में ना हो, तो उसे हमने XML में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो उसे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव करेगा डॉक्यूमेंट्री बना के, दैट्स व्हाई इसे डॉक्यूमेंट ट्री बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, दिखाऊंगी परफॉर्म करके, तो वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ट्री की फॉर्म में डाटा को सेव करेगा, वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर ही है बट होगा डॉक्यूमेंट्स का। द ट्री स्टार्ट्स एट द रूट, उसमें रूट से स्टार्टिंग होगी, ब्रांचेस नीचे लेवल तक जाएंगी, और डाटा कैसे सेव होगा वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले ऊपर रूट, रूट के नीचे आएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आगे आएंगे जो हमारे ब्रांचेस, और ब्रांचेस के आगे जो लीफ होगा उसमें उस ब्रांच की वैल्यू होगी, कैसे होगी वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। देन ऑल द एलिमेंट्स कैन हैव सब एलिमेंट्स, किसी भी टैग के अंदर आप सब एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, चाहे सब चाइल्ड के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टैग बना दो, मतलब चाइल्ड एलिमेंट्स आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो हर किसी एलिमेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, इसके साथ साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, इसके साथ साथ आप ये वाला, ये जितना भी डाटा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है या और जो भी इसके एग्जांपल आप लोगों ने बाद में वैलिड कोड बनाया है वो आप इसके साथ वहां पे लिख सकते हो,
जब आप रूट एलिमेंट, आपको रूट एलिमेंट एक्सप्लेन करने के बोला जाए और आपको लगे कि क्वेश्चन लेंथ ही होना चाहिए, ठीक है, बाकी आप साथ में ये एक एग्जांपल के फॉर्म में, ये रूट है हमारा, इसके अंदर चाइल्ड होंगे, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड हो सकते हैं, देन उसके अंदर भी और ग्रैंड चाइल्ड हो सकते हैं, तो डेट्स ऑल अप टू यू, आप कितना उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगेन एग्जाम्पल के वही वाली जो हम लोगों ने ऑलरेडी की थी शायद, बुक स्टोर में बुक्स का डाटा सेव किया, कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी, ठीक है, तो कैटेगरी में, कैटेगरी इज एन एट्रीब्यूट और दिस इज एन वैल्यू, वैल्यू जो होगी कोट्स में होगी एंड इक्वल टू डिफाइन करेगा कि इस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है। सिमिलरली टाइटल हमारा टैग है, इसमें लैंग्वेज ई एन मीन्स इंग्लिश हमने सेव की है, तो इस तरह से आपके टैग्स नेस्टेड हो गए हैं, नेस्टेड मतलब बुक के अंदर नेस्टेड हुए हैं, ये खुद में एक टैग कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, देन ये एक सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट एंड देन फोर्थ एलिमेंट, चार एलिमेंट्स हैं हमारे बुक टैग के अंदर और हमारे बुक स्टोर के अंदर टोटल तीन, एक दो एंड तीन, तीन बुक टैग्स हैं, मतलब बुक एलिमेंट्स हैं बुक नाम के, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, पूरा जितना मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है जी। देन ये सारे है क्या बुक स्टोर के अंदर, एंड बुक स्टोर इज अवर रूट एलिमेंट।